तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल मंगल होंगे। मैं टेकलाल भाई भी अभी भी लग रहा है सो के उठा हुआ है। चलिए आगे दिखाते हैं आज का दिनचर्या आप लोगों को। ये हम लोग का शिव मंदिर है। यहाँ प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को मंडप पूजा आयोजित होता है। शिव मंदिर कुछ इस प्रकार है। क्यूट भैगनी और क्यूट मामा इधर पूरा मस्ती में है, अपना मगन में दोनों खेल रहे हैं। कहा मामा श्रे, ओ मामा क्या हाल चाल है, ठीक है? आए? ठीक है, पूरा मस्ती में है मामा श्री। और उधर का गुरु सबसे नटखट बाबू नाश्ता कर रहे हैं उधर। अरे इधर गुरु, छोटकी गुरु, क्या परी गुरु। ओए देखिए सबसे शैतान लड़का, सुबह सुबह मुंह भी नहीं धोया है और नाश्ता कर रहा है। क्या इस साइड पूरा खाली था कुछ दिन पहले, अभी तो पूरा बिल्डिंग बन रहा है नया नया। तो हम लोग चल दिए हैं मुर्गी खरीदने। फूल देवता में पूजा करना है, जा रहे हैं अभी मुर्गी खरीदने हम और मेरा पार्टनर झंडू भाव। चलिए मुर्गी दुकान में जाके मिलते हैं। पूजा होने के बाद जो मुर्गी मुर्गा बचा हुआ है उसको बनाने के लिए मेरा छोटा छोटा भाई सब लगे हुए हैं, उसका बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और इधर तैयार होगा, सब मिलके खाएंगे। सब गोतिया सब हैं हम लोग का। कुलदेवी में पूजा होने के बाद सब कोई खाने बैठ गए हैं। खाने पीने के बाद जो बर्तन बचा हुआ था, हम और मेरा चाचा का बेटा दोनों बगल में तालाब है उसी में धो रहे हैं। बहुत सारा लकड़ी का जला हुआ था तो बहुत काला हो गया, उसी को अच्छे से धो रहे हैं। इसमें है कि महिला सब इस बर्तन को नहीं छूती है, सब सिर्फ पुरुष लोग ही। छोटा छोटा डॉल बैठ के मटन नहीं खा रहा है। अरे इधर बड़की दीदी देखिए कितना स्मार्ट गर्ल है, बहुत चगराती है, मटन खा रही है। तो गाइस मेरा छुट्टी समाप्त हुआ, मस्ती समाप्त हुआ, अब चलते हैं ड्यूटी की ओर। बैग पैकिंग कपड़ा हो गया है, जितना लाए थे उतना, अब चलते हैं ड्यूटी की ओर। चलिए दिखाते हैं आगे कन्नौली। मैं तैयार हो गया हूँ जाने के लिए, ड्यूटी करता हूँ। इधर मेरी धन को खड़ा निकलता हूँ। फाइनली मैं तैयार हो चुका हूँ, टेकलाल बुरा उधर से आ रहा है, चलते हैं। फाइनली दोस्त घर में पहुँच गया हूँ, 6 बजे ड्यूटी कर जाऊँगा। तो आज पहुँच गए हम ड्यूटी में, ड्यूटी कर रहे हैं। अरे मेरा पार्टनर पूरा मस्ती में है, देख रहे हैं स्टाइल इसका। बगल में ठंडा लग रहा है, आग जला लिए हैं और बैठा है। चलिए हॉकी का मैच चल रहा है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच देख के मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइज इंडियन वर्सेस न्यूजीलैंड का जो हॉकी का मैच चल रहा था, वो न्यूजीलैंड जीत चुका है पेनल्टी शूटआउट में। और इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, बहुत दुख की बात है। बहुत रोमांचक मैच था जिसमें न्यूजीलैंड की जीत हुई, इंडिया की हार हुई। चलिए कोई बात नहीं। रात का भोजन गीला भात
चोखा और तड़का। चलिए दोस्तों खाते हैं, खाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। हेलो गाइस, आशा करता हूँ कि आज का ब्लॉग वीडियो मेरा आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। चलिए आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।